महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन पाने का मौका। अगर आपका भी ये सपना है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर आप लोग का एडमिशन डायरेक्ट हो जाए तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। दोस्तों ये जो वीडियो है मैक्सिमम पीजी कोर्सेज के लिए, यानी कि यूजी कोर्सेज के अंदर तो फॉर्म बहुत ज्यादा आते हैं तो वहां पे आपके एंट्रेंस एग्जाम तो होंगे ही होंगे, बट बहुत सारे ऐसे पीजी कोर्सेज हैं जहां पे ज्यादा फॉर्म नहीं अप्लाई होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भैया यहाँ पे ये कोर्स है, या फिर लोगों को जानकारी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है पीजी के कोर्सेज में। तो वो कौन कौन से कोर्सेस है वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। तो मैं आपको बताया था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में डायरेक्ट एडमिशन पाने का मौका बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, ठीक है। तो भैया अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि भैया आपका एडमिशन कैसे होगा डायरेक्ट एंड किन किन कोर्सेज के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते पाए कि इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं पाए, ठीक है। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पाए बताऊंगा। 60 देखो, सीट के सापेक्ष दोगुनों से कम आवेदन आने पर मेरिट से होगा दाखिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जिनमें जितनी सीट है उससे दुगने से भी कम फॉर्म आते हैं। यानी मान लो अगर कोई कोर्स है उसमें 100 सीट है तो 200 से कम लोग अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में एंट्रेंस एग्जाम करवाने का कोई फायदा नहीं होता। तो विद्यापीठ क्या कहता है, अगर दुगने से भी कम फॉर्म आते हैं तो जिनके भी क्या बोलते हैं क्या सॉरी ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से उनको एडमिशन दे देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो यानी कि डायरेक्ट आपके मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। अब पीजी कोर्सेज में होगा तो यानी आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखा जाएगा, ठीक है। 67 पाठ्यक्रमों में दाखिले को 25,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन, यानी अभी तक केवल 67 कोर्सेज के लिए 25,000 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। अब दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 25,000 आवेदन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। हालांकि बुधवार तक प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18,800 है, ठीक है। यानी फॉर्म तो भैया 25,000 लोगों ने भरा है, पैसा केवल 18,800 लोगों ने दिया है, ठीक है। ये हो गया, अब तक करीब 22 पाठ्यक्रमों सीट के सापेक्ष दोगुनों से अधिक आवेदन आ चुके हैं। यानी जो 22 कोर्स है 67 कोर्सेज में से जो 22 कोर्सेज हैं उनमें दुगने से ज्यादा फॉर्म के ये अप्लीकेशन आ चुकी है, यानी इनका तो एंट्रेंस एग्जाम होगा जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और जबकि 45 कोर्सों में सीट से सापेक्ष दोगुने से भी कम आवेदन आए हैं, यानी 45 कोर्सेज में दुगने से भी कम फॉर्म अप्लाई किया गया है। यानी इन 45 कोर्सेज में आपका एडमिशन डायरेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि बीएचयू की काउंसलिंग चल जाए, पीजी कोर्सेज का आपका डीयू का काउंसलिंग चल जाए, डीडीयू का एग्जाम हो रहा है, यूपी कॉलेज के एग्जाम हो रहे हैं, तो भैया यहाँ पे लोगों ने कम अप्लाई किया तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो अगर आपका सपना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्टेट यूनिवर्सिटी से कम पैसे में बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ने का तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड एडमिशन कैसे करवाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। तो भैया अब इसमें बात ये है कि अब इन कोर्सेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। कब होगा? तो भैया जब आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे तो जिन जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा उनको ईमेल एंड कॉल भी आएगी कि भैया आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अप्लाई किया था, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जब भैया काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो डॉक्यूमेंट्स को लेके फोटोकॉपी लेके आपको विद्यापीठ जाना होगा एंड डायरेक्ट एडमिशन करवाना होगा। उसी दिन आपको फीस भी पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये होगा कब? जब आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। होने के बाद में जब नॉर्मल कोर्सेज के काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। किस किस कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन होगा सुनियो, क्या बोलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे तो हैं बट मैं आपको कुछ कोर्सेज का नाम बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका हो गया क्या बोलते हैं MIF मास्टर इन आईबीई साइंस, MAIIPM मास्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट, एंड दोस्तों MFA, ठीक है। हो सकता है कि MFA के अंदर भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। तो यानी पीजी के जितने भी आपके कोर्सेस हैं उसमें आपके डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम होता है हर साल क्योंकि यहाँ पे दुगने से ज्यादा फॉर्म आ जाते हैं, तो एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम डायरेक्ट होगा। तो एमकॉम के बच्चे खुद मत होना, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, बट एमकॉम को छोड़ के जितने भी कोर्सेस हैं हो सकता है कि उनका एडमिशन डायरेक्ट इस बार हो, तो फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। कर दियो तो ऑल द बेस्ट, एंड अगर आपको तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जाम की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तो हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करवाया है कॉमर्स नेशन। बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, एमए है, एमए इकोनॉमिक्स है,
एमकॉम है, ठीक है, एंड दोस्तों आपके एआईबी है, ठीक है, मास्टर इन आईबी साइंस, यानी महात्मा गांधी के साइंस साइड को छोड़ के जितने भी कोर्सेज हैं सबकी तैयारी हम लोग आपको करवाए हैं, एंड मात्र 99 रुपए में घर बैठे आप बीए की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, सोचो 99 रुपए में, एंड बीकॉम का 499 के अंदर, ठीक है। तो कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो सीधे कॉल करके बात भी कर सकते हो, या फिर मैसेज कर देना अगर कॉल नहीं उठ पाता है तो, ठीक है, आपको हम लोग कॉल बैक करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, एंड पीवीएस ये पेपर चाहिए, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका ये रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।